प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका झारखंड की डिजी कक्षा में। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी से आपके लिए एक पाठ लेकर आए हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज हम और आप मिलकर खेलने जा रहे हैं एक क्विज। यह आधारित है आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ संख्या 8 अमरूद का पेड़ कहानी पर, जिसे लिखा है ज्ञान रंजन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या ज्ञान रंजन? सही उत्तर है चौथा विकल्प, ज्ञान रंजन। अमरूद का पेड़ पाठ किस विधा में रचित है? पहला विकल्प कहानी, दूसरा नाटक, तीसरा यात्रा संस्मरण या चौथा हास्य व्यंग? सही उत्तर है पहला विकल्प कहानी। सबसे पहले किसने टोका था कि पश्चिम की तरफ यदि मकान का मुहाना हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो राम राम बड़ा अशुभ होता है? पहला विकल्प कन्हैया लाल ने, दूसरा कन्हैया लाल के बूढ़े पिता ने, तीसरा कन्हैया लाल की बूढ़ी माता ने, चौथा कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने? सही उत्तर है चौथा विकल्प कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने। लेखक के परिवार में किसने सत्याग्रह के समय लंबा जेल काटा था? पहला माँ, दूसरा बुआ, तीसरा भाई या चौथा पिता? सही उत्तर है पहला विकल्प माँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मुझे लगा कि हमारे घर के सामने का यह अमरूद हमारी जिंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है। दूसरा, अमरूद गोल मगर ललछर चित्तियों वाली जाति के थे। तीसरा, उसकी कंडेल सी आंखों में एक छोटा सा तूफानी झोंका उठा बैठ गया। चौथा, अमरूद के एक और केले और एक और गुलदाउदी की क्यारियां बना दी गई थी। सही उत्तर है चौथा विकल्प, अमरूद के एक और केले और एक और गुलदाउदी की क्यारियां बना दी गई थी। लेखक की माँ के चेहरे पर अमरूद के प्रसंग में कौन सा भाव छिपा रहता था? पहला आनंद, दूसरा उत्साह, तीसरा घृणा या चौथा भय? सही उत्तर है चौथा विकल्प भय। लेखक की माँ किन अशुभ घटनाओं का कारण पेड़ को मानती थी? असत्य विकल्प का चयन कीजिए। पहला, बड़ी बहू की सेवा भावना, दूसरा सबसे छोटे का निठल्लापन, तीसरा खुद उनकी बीमारी, चौथा लोगों का धंधे से बिखर जाना? सही उत्तर है पहला विकल्प, बड़ी बहू की सेवा भावना। अगला प्रश्न, लेखक घर जाकर उदासी का अनुभव क्यों करते हैं? पहला विकल्प, बड़ी भाभी अलग होना चाहती है, दूसरा सबसे छोटा भाई निठल्ला है, तीसरा माँ बीमार रहती है या चौथा अमरूद का पेड़ काटा जा चुका था? सही उत्तर है चौथा विकल्प, अमरूद का पेड़ काटा जा चुका था। मिद्दू का गुस्सा किसका प्रतीक था? पहला सुख का, दूसरा दुख का, तीसरा क्षोभ का या चौथा घृणा का? सही उत्तर है क्षोभ का। अगला प्रश्न, हमें इनमें से किस बात का पालन करना चाहिए? पहला विकल्प, किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकलते समय दही खाकर निकलना चाहिए, दूसरा यदि बाहर निकलते समय कोई पीछे से छींक दे तो रुक जाना चाहिए, तीसरा सड़क पर जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाना चाहिए, चौथा यात्रा करते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए? सही उत्तर है चौथा विकल्प, यात्रा करते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।